टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दोनों खिलाड़ियों के फैंस के बीच मारपीट होने की बात को दुनिया तक पहुंचाया। सहवाग ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इन लोगों को पागल तक कह दिया। सहवाग ने लिखा, क्या करते हो पागलों, आपस में खिलाड़ी भी एक दूसरे के दीवाने होते हैं और वो ज्यादा बात नहीं करते, काम से काम रखते हैं। लेकिन कुछ फैंस अलग ही स्तर के पागल होते हैं। झगड़ा झगड़ी मत करो, टीम इंडिया को एक मानकर याद करो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित शर्मा और एमएस धोनी के फैंस जश्न मनाते हुए सड़क पर निकले। इस दौरान दोनों की तस्वीरें भी सामने आई। धोनी के फैंस उनके संन्यास की खबर के बाद ऐसा कर रहे थे, जबकि रोहित के फैंस उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने पर उनकी इस उपलब्धि का जश्न मना रहे थे। इस दौरान किसी ने रोहित शर्मा के पोस्टर को फाड़ दिया। इसके बाद दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गयी।